हे गाइस, तो स्वागत है आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस फीस जो हम लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम जो पे करते हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप के फीस हम लोग पे करते हैं। तो गाइस, नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल और सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी के तौर पर हम लोग फीस जमा करते हैं। नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस 1000 होती है जो ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और EWS कैंडिडेट के लिए, और 500 होती है SC ST OBC और PW कैंडिडेट के लिए 5000, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 5000। मतलब फिर से मैं बताऊं तो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस होती है 1000 ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी EWS कैंडिडेट के लिए, और 500 SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए। उसके बाद 5000 डीम्ड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट के लिए, डीम्ड के लिए ज्यादा रहती है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया कोटा से अगर आप कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, FMC से, AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज वाला, EWS कैंडिडेट है, तो आपको 10000 पे करनी पड़ेगी सिक्योरिटी मनी। और SC ST OBC और PWD में 5000 पे करनी पड़ती है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस होती है 2 लाख, मतलब 2 लाख लगता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये रिफंडेबल होती है, जब आपका कॉलेज मिल जाता है, आपको सीट अलॉट हो जाता है, तो ये आपको रिफंड कर दिया जाता है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है फिर भी ये आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में मुझे यही तरह तरह की फीस बतानी थी, और ये आप एक बार देख सकते हैं, मैंने जो जो बोला ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो ये एक बार आप चेक कर सकते हैं, इसको वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख लीजिएगा। तो गाइस, और मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मेरे अंडर काउंसलिंग गाइडेंस मेरी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपने अंडर काउंसलिंग तक गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।